मैं इत्थे चंडीगढ़ दे नाल थैंक यू कैप्टन कहण दे वास्ते आया। कैप्टन साहब के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने, पंजाब की विधानसभा ने ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कदम उठाया है, विधेयक पास किए, और ये विधेयक पूरे देश को एक रास्ता दिखाएंगे, एक ऐसी जंजाल में देश फंस गया है जो केंद्र सरकार ने संघी व्यवस्था का उल्लंघन करके कृषि क्षेत्र में 3 कानून बना दिए, जिन कानूनों के चलते खेती, किसानी और जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है सब ध्वस्त हो रहा था, जिसके कारण MSP से लेकर के मंडी तंत्र, FCI, ये सारी प्रणालियां बर्बाद हो गई थी। अब ये विधेयक केंद्र सरकार को एक अवसर दे रहे हैं कि वो वक्त के संकेत को समझें और अपने कदम पीछे हटाएं। यदि वो पीछे नहीं हटाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इन विधेयकों ने पूरे गैर भाजपा शासित राज्यों को, जिनमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उनके पास सामने एक मॉडल रख दिया है। इस मॉडल के आधार पर दूसरे राज्यों से भी इसी प्रकार के बिल पास होंगे और देश के अंदर एक जबरदस्त जनमत बनेगा, केंद्र सरकार के ऊपर दबाव पैदा होगा और केंद्र सरकार को मजबूर होकर के अपने 3 जो काले कानून हैं उनको वापस लेना पड़ेगा। या तो केंद्र सरकार पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को एक मध्य मार्ग मान करके अपने कदम पीछे हटाए, और यदि नहीं हटाएंगे तो लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन है और जनार्दन जो है ये बात स्पष्ट रूप से समझ चुकी है कि ये 3 कानून हमारी अन्न सुरक्षा के लिए खतरा है, ये हमारी खेती के लिए सुरक्षा खतरा है और ये देश के अंदर अशांति पैदा करेंगे। तो मैं फिर से पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी को, उनकी सरकार को और पंजाब विधानसभा को, क्योंकि उन्होंने सर्वसम्मति से कानून पास किया है, और पंजाब कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।